हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगेन आज मैं कर रही हूँ व्लॉग एंड मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी तो उसमें मुझे एक कॉमेंट आया था, मैं यहाँ पे इसे अटैच कर दूंगी एंड अच्छा लगा मुझे वो कॉमेंट देख के। एंड यस, मूड अपसेट था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे कॉन्टेंट क्या करूँ कैसा करूँ, बट आज या अभी से मूड बहुत सही है, फ्रेश है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ थोड़ा सा ऐसे गैप टाइप ले लिया था मैंने एंड अभी काफ़ी सही लग रहा है। तो अब से तो कंटेंट आएंगे ही एंड मैंने सोचा कि जब लोगों को इतना व्लॉग्स पसंद आता है तो शुरुआत वो वाली वीडियो के बाद हम शुरुआत व्लॉग से ही करते हैं। तो यस, आज मैं व्लॉग कर रही हूँ एकदम न्यू एनर्जीज के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। सो अभी सुबह सुबह ही मुझे एक अपडेट मिल गया था कि जो आंटी हैं जो क्लीनिंग के लिए आती हैं वो आज नहीं आएंगी, माइट भी शायद उनका तबीयत ख़राब है। तो जो मेन पोछा वाला काम है आज मुझे मम्मी को मिलके करना पड़ेगा। तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ एंड फटफट से लगते हैं अपने काम की तरफ एंड फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ कि आज बहुत सारा काम है। एंड जब मैं शूट करती हूँ ना तो बहुत सारे कपड़े ऐसे निकल जाते हैं जो मैं सिर्फ एक बार या दो बार ही पहनती हूँ, तो वो सब वहाँ पे ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है तो उसको भी धोना है। लेट्स सी आज करती हूँ कि कल करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही टालते जा रही हूँ, बट मोस्टली मुझे आज ख़त्म करना है ना, तो यही सारे कपड़े मैं वापस रिपीट करती हूँ शूट के लिए, तो अभी धुलेंगे नहीं तो मैं रिपीट कैसे कर पाऊँगी। तो ऐसे ये भी कंप्लीट करना है, तो मिलती हूँ जल्दी। A few moments later. So, पोछा वाला काम तो हो गया, जितना मुझे करना था मैंने कर दिया, बाकी मैंने अपनी मम्मी को सौंप दिया, बाकी का तुम देखो। मैंने मतलब मैं और मम्मी काम डिवाइड कर लेते हैं, तो अब मम्मी का टाइम है पोछा मारने का एंड अब मैं आ चुकी हूँ किचन में एंड अब किचन मुझे क्लीन करना है। एंड अभी कैसा किचन दिख रहा है मैं वो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, इतना मेस नहीं दिखा सकते। तो फटफट से मैं ये भी काम कर लेती हूँ, फिर किचन अभी पोछा मारना है एंड फिर देखते हैं मुझे आगे क्या करना है। सो काम हो चुका है किचन का एंड अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे पाव सेकने, क्योंकि चाचू के घर से, शुभ चाचू के घर से आया था पाव भाजी एंड अभी उसको ही गर्म करने जा रही हूँ। सब्जी तो मैंने गर्म कर दी है एंड अभी पाव सेकना है, फिर करेंगे थोड़ा सा पेट पूजा। One hour later. गाइस, सारा काम खत्म, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। पिताजी जाओ यहाँ से, बस हो गया, पहले मेरे को बोलने तो दो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कब से। तुमको उसी समय क्यों है कैमरा? आप मेरे रूम में नॉक करके क्यों आए? मैं व्लॉग शुरू कर चुकी थी। पूछो मम्मी से, पूछो मम्मी से, सही बात है ना? हाँ, चार्ली को भी लेके चार्ली का रूम है, चल लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। आ बेटा, ये तो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैं जा रही हूँ बड़ी मम्मी के घर, जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग में ही है और ज्यादा कुछ नहीं किया है, जस्ट एक लिपस्टिक लगा ली है, सनस्क्रीन लगा लिया है एंड अब निकलते हैं। एंड उसके बाद अब मैं वहीं पे जाके थोड़ा सा एडिटिंग का काम है वो सब मैं वहीं पे करूँगी एंड वहीं पे रील्स अपलोड कर दूंगी, शॉर्ट्स को शेड्यूल कर दूंगी, सब वहीं पे करने वाली हूँ। सो यस, लेट्स गो। One hour later. चार्ली, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अल्ले ले 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 ले। चार्ली कहाँ है? चार्ली कहाँ है? ए पेडिग्री, पेडिग्री खाओगे? पेडिग्री खाना है? मम्मी को बुलाओ, मम्मी को। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। Later. So, मैं आ चुकी हूँ घर पे एंड घर पे आके फिर से मैंने चाय पी लिया, मतलब बड़ी मम्मी के घर पे चाय पिया था, फिर घर पे आके वापस पी लिया एंड अभी 7:30 हो रहा है और मुझे आज करना है शूट। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं खाने का प्रिपरेशन करूँ क्योंकि आज बनाना है हाका नूडल्स, तो मैं पहले प्रिपरेशन कर दूँगी एंड बाय 8:30 मैं अपना शूट स्टार्ट करूँगी। एंड अब तक मैंने प्लान नहीं किया कि मैं क्या शूट करूँ, मेकअप तो शूट करना है, एक लॉन्ग फॉर्म ही शूट करना है एंड और कितने शॉर्ट्स मैं शूट कर पाती हूँ लेट्स सी, अभी तक ऐसा कुछ खास डिसाइडेड नहीं कि क्या कॉन्टेंट शूट करना है, बट मैंने लिस्ट डाउन करके रखा है बहुत सारा कॉन्टेंट एंड जो भी मेरे दिमाग में आता रहता है ना मैं ऐसे लिस्ट डाउन करते जाती हूँ एंड फिर जैसा जैसा मूड बनते जाता है कि अभी ये शूट कर सकते हैं तो उस बेसिस में शूट करना शुरू कर देती हूँ। सो यस,
पहले किचन के प्रेप्स पे लगते हैं एंड देन फिर आप लोग से मिलती हूँ। एंड मुझे एक और चीज़ शेयर करनी है बट मैं आगे शेयर करूँगी। काम हो चुका है एंड अब बज रहे हैं 8:30, मतलब टाइम पे ख़त्म हो गया मेरा काम। एंड मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर है, ये सब ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ शूट का प्रिपरेशन करने एंड चलो फटाफट से सेटअप करते हैं एंड शूट कंप्लीट करते हैं। एंड बाय 10:00 or 10:30 तक का टाइम है मेरे पास, तब तक मैं शूट करूँगी एंड देखते हैं कितने कॉन्टेंट शूट कर पाती हूँ। तो बड़ी वाली लाइट भी ऑन कर दी है एंड अभी कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा सेटअप। तो मेरी ये रिंग लाइट है वो भी ख़राब हो चुकी है, तो मेरे पास एक सनसेट लैम्प है उसके जुगाड़ से मैं मेकअप ट्यूटोरियल आजकल शूट कर रही हूँ। सो ये है मेरा सनसेट लैम्प जो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी एंड माय सेटअप इज़ ऑलमोस्ट डन। बहुत बार रिंग लाइट में इन्वेस्ट कर चुकी हूँ एंड मतलब एक मैंने लिया था जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, उस टाइम पे जो मैंने लिया था वो रिंग लाइट मेरा काफ़ी टाइम तक चला। एंड फिर एक मैंने न्यू रिंग लाइट ली तो थोड़ा सा उसमें स्क्रू का इशू हो चुका है, जिस वजह से वो सही रिंग लाइट हो के भी मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। एंड फिर मैंने नया लिया, वो अचानक से अपने आप बंद हो गया एंड अभी मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ रिंग लाइट लेने के लिए। और कुछ कुछ शूट में सनलाइट में शूट कर लेती हूँ प्रॉपर नेचुरल लाइट में। एंड अभी बेसिकली मैं ये सनसेट लैम्प यूज़ करके शूट कर रही हूँ, तो जब तक काम चल रहा है फिलहाल तो मैं यही यूज़ करूँगी एंड लेट्स सी रिंग लाइट मैं कब परचेस करती हूँ, बट फिलहाल अभी रिंग लाइट लेने के मैं कोई मूड में नहीं हूँ। तो ये है मेरा आउटफिट जो कि है रेड कुर्ता एंड ये उल्टा रखा है, तो मैं इसके ऊपर कोई लुक क्रिएट करने का सोच रही हूँ। लेट्स सी, मैंने पिंटरेस्ट पे एक रेफरेंस देखा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही कुछ क्रिएट करने का ट्राई करूँगी, नॉट सेम एग्जैक्टली बट हाँ थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। One hour later. So, पहला शूट करके हो चुका है एंड कल ही अपलोड हो जाएगा, मतलब जब ये ब्लॉग अपलोड होगा तब तक आई थिंक सो ये शूट अपलोड हो चुका, आई थिंक सो ये लुक अपलोड हो चुका होगा या फिर अपलोड होने वाला होगा। एंड येस, दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक। एंड अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, 9:30 बज रहा है, खाना खा के वापस से फिर मैं अपना शूट जो है वो रिज्यूम करूँगी। ओके गाइस, सो आई एम डन विद द शूट, खाना भी खा के हो गया एंड उसके बाद ही मैंने शूट कर लिया और अभी 10:30 होने आ रहा है। तो कल है 1 June, तो कल है मेरे पापा का बर्थडे, तो इस बार ऐसा कुछ खास ऐसा सेलिब्रेशन टाइप प्लान नहीं है, तो चलो वो तो कल की बात है कल कैसा क्या सेलिब्रेट होगा, बट आज रात को बर्थडे ब्रिंगिंग करना तो बनता है। एंड पापा को भी कुछ भी हिंट नहीं है कि हम केक कटिंग वगैरह कुछ भी करने वाले हैं। एंड मेरा ना नीचे श्वेत के घर पर बात हो चुका है, श्वेत के घर पर केक आ जाएगा एंड उसके बाद जो भी है केक कटिंग सब होगा। तो बेसिकली मैं जब खाना खिलाने जाऊंगी नीचे बच्चों को उसी टाइम पे केक वगैरह ऑर्डर हो जाएगा, श्वेत के घर पे केक आ जाएगा एंड 12 बजे तक, मतलब मुझे आते आते घर पे 12:30 हो ही जाता है जब मैं खाना खिलाने जाती हूँ, तो जब मैं आऊँगी तब मैं नीचे से सबको लेकर आऊँगी एंड हम फिर करेंगे केक कटिंग। सो यस, आई एम एक्साइटेड। एंड पहले मैंने सोचा था कि मैं इस वॉल को डेकोरेट करूँ क्योंकि पिछले बर्थडे ब्रिंगिंग में मैंने ऐसे ही किया था एंड हमने केक कटिंग की थी एंड उस टाइम पे भी हाँ चार्ली तभी था, छोटा था, बट अभी कैसा है कि अगर टेबल पे रख के कुछ केक कटिंग अभी करना होगा यहाँ पे अगर तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि चार्ली का भरोसा नहीं है, वो केक खाने आ सकता है, ऐसा सब चीज़ है।
एंड केक खा लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डॉग्स को केक नहीं देना है, उनका डॉग केक अलग आता है, एंड ये बोला केक वो खा नहीं सकते, तो हम नहीं चाहते कि गलती से भी वो केक खा ले क्योंकि हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता है। तो बेसिकली प्लान ये है कि बाहर के टेबल पे केक कटिंग करेंगे, तो डेकोरेशन कुछ नहीं हो पाएगा, बट यस केक कटिंग तो हो जाएगा। सो अभी थोड़ी देर में मैं केक ऑर्डर कर लूँगी, एंड जब मैं बच्चों को खाना खिलाने जाऊँगी तब मैं आप लोग से मिलती हूँ। Later. केक कटिंग डन, एंड अब मैं निकल गई हूँ अनुराग और श्वेत के साथ बच्चों को खाना खिलाने के लिए। यहाँ पे एक बच्चों को खाना दे दिया है, एंड अभी मैं आगे कितना ब्लॉग कर पाऊँगी खाना खिलाते वक्त उसका मुझे गारंटी नहीं है, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने के टाइम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सो लेट्स सी, अगर हुआ तो रिकॉर्ड करूँगी, ना तो फिर नहीं कर पाऊँगी। बहुत बहुत छोटे भी नहीं जाते फालतू का।